मेरा नाम रेनू है और मैं सफाई कर्मचारी आंदोलन में एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ सीवरेज वर्कर्स में काम करती हूँ। पिछले 10 सालों से मैं सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। कल जो दिल्ली में 5 मौतें हुई, आप वहाँ गईं, मौके वारदात पे आप गईं, आप वहाँ के परिवार वालों से मिली, क्या कोई जो DLF के लोग हैं वो लोग थे या दिल्ली सरकार के लोग थे या MCD के कोई लोग अधिकारी आपको मिले? DLF गए, DLF पर वहाँ पर उन्होंने अंदर बैन किया हुआ था, जाने नहीं दे रहे थे, तो हमें सीधा हम मोर्चरी पहुँचे, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल मोर्चरी पर। हमें 5 फैमिली के वहाँ पर मृतक थे उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। वो ऐसे मतलब उस समय बौखलाए हुए थे क्योंकि सब लोग बाहर के रहने वाले थे, कुछ 2 लोग UP के रहने वाले थे और 3 लोग बिहार के रहने वाले थे। तो अब आप ये सोचिए कि वहाँ तक अगर डेड बॉडी को ले जाया जाता है, तब भी आप सोचिए कि उनकी एक एक गाड़ी 20,000 की पड़ रही थी। तो वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं और जिनकी एकदम आकस्मिक मृत्यु हुई है, उनके फैमिली के और उन्होंने कैसे कैसे अरेंज किया, सब लोग इस बात से बहुत गुस्सा थे। ना तो कोई MCD का कोई पर्सन था, जल बोर्ड से कोई वहाँ पर अधिकारी नहीं था, DLF की तरफ से कोई पर्सन नहीं था और ना ही उनको कोई ऐसी आर्थिक सहायता दी गई कि उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई उनको पैसा दिया जाए, उनको उस समय तक नहीं मिली। तो प्लम्बिंग का काम करते थे, भी फैमिली थी, सबने यही बताया कि उनको फोर्स करके अंदर भेजा गया है। ना उनका किसी का सफाई का काम नहीं था, लेकिन वहाँ जो उस समय कॉन्ट्रैक्टर था उसने बोला सुपरवाइजर कि नहीं, आपको अंदर जाना है और अंदर जाकर सफाई करनी है। जबकि सबको पता होता है कि अंदर जाने पर जो टैंक है उसमें इस तरह की जहरीली गैसें बनती हैं, तो उसके लिए कोई सेफ्टी होना चाहिए था या फिर किसी और सोर्स से भी उसको सफाई किया जा सकता था, लेकिन उनको फोर्सफुली अंदर डाला गया और बिना किसी सेफ्टी के। और अभी 2018 में पिछले 3 महीने में अब भी हमारे पास 8 मौतें दिल्ली में